हेल्पलाइन फॉर एग्जांपल 911 बनाई जाए जो कि तमाम पाकिस्तान के मेन इदारों से सिंक्ड हो, सेंट्रलाइज हेल्पलाइन जिसको हम पहल भी कह रहे हैं, पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन पहल, स्मार्ट लॉकडाउन है वो NITB ने डेवलप किया है। देन देर इज़ ऐप नेम्ड पाक निगहबान ऐप। हम एक इमरजेंसी मरीज़ को उस अस्पताल में पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे बेड एंड वेंट अवेलेबल है। अगर वो बाहर निकल रहा है तो हम उसको अलर्ट भेजते हैं, उसने मोबाइल ऑन कर ऑफ़ कर दिया तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुतलका थाने से बंदे भी भेज दिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रिशिएट किया, बिल गेट्स ने अप्रिशिएट किया। ये ऐसे नहीं हो जाता कि पता लगे कि स्ट्रीट में चार बंदे हैं तो किसी ने फ़ोन किया बंद कर दें, ऐसे नहीं है, इसके पीछे टीम्स लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं PSCA TV। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि हर काम के लिए कि अलग-अलग हेल्पलाइन पाकिस्तान में मौजूद है, 15 मौजूद है, 1122 मौजूद है और हर डिफरेंट एमरजेंसीज के रिलेटेड डिफरेंट नंबर्स हैं। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में भर में सिर्फ एक नंबर हो और सिर्फ उसी नंबर पर कॉल की जाए और पुलिस और कोई भी अदारा आपकी हेल्प के लिए पहुँचे? जी हाँ, ऐसे हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल NITB फैसल रतियाल। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनके क्या एम्स और क्या मोटिव हैं इस वाले से। सर, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन जो पूरे पाकिस्तान में चले और तमाम अभी हो तो यूँ रहा है कि हर अदारे की एक अलग हेल्पलाइन है, क्या पॉसिबल है कि ऐसा हो सकेगा कि एक हेल्पलाइन बनाई जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक यू कि इन्होंने सेफ सिटी लाहौर ने इतनी अच्छी डेमोंस्ट्रेशन दी और तमाम मैकेनिज्म मुझे बताया कि ये कैसे चल रहे हैं और कैसा इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। सेकेंडली ये कि इस टाइम अंडर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ मोटरवे, ये उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई नेशनल IT बोर्ड को कि एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई जाए जो पूरी दुनिया में जिस तरह होता है कि आप शहरी को कंफ्यूज ना करें कि 8 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, एम्बुलेंस का ये नंबर है, पुलिस का ये नंबर है, बम डिस्पोजल का ये नंबर है। तो अब एक ऐसी इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन फॉर एग्जांपल 911 बनाई जाए जो कि तमाम पाकिस्तान के मेन इदारों से सिंक्ड हो अंडर द अम्ब्रेला 911 एंड देयर ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडर 911। जो आप 911 कॉल करें वो उन तमाम इदारों की तरफ जाएँ, रेदर दैन आप 1122 को सेपरेट कॉल करें, 15 को सेपरेट कॉल करें। सो इट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वन एंड टू फैसिलिटेट द सिटीजन रेदर दैन कन्फ्यूजिंग दैम। सो हम 911 की तरफ काम करने की तरफ इस टाइम हम जा रहे हैं। उसके कई डेमोज हम ले चुके हुए हैं, आज उसकी एक घड़ी थी जो यहाँ पर हम डेमो लेने आए फ्रॉम फेडरल। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि साइलोज में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा जो कि गुड गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस्लामाबाद सेफ सिटी के पास भी है और लाहौर सेफ सिटी के पास भी है। तो उन दोनों डेटा को कंबाइन करके ऐसे एनालिटिक्स निकाले जाएं जिससे गवर्नमेंट के लिए बेहतरी लाई जा सके। हम लोगों ने पहला एक CAD सॉल्यूशन है उसको हाँ जी, वो डिस्पैच सिस्टम जो है उसको हम यहाँ पर आज डेमो लेने आ रहे हैं, आए हुए हैं, और उसका डेमो अगर हो जाता है सही तो हम उसको रेप्लिकेट करेंगे और रेप्लिकेट करने के बाद हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। सर, क्या स्कोप होगा कि होता यूँ है कि हमारे पास पंजाब सिंध पाकिस्तान के सूबे हैं वफाक अलहदा, अब ये जो यूनानिमस या इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन होगी क्या ये सारे सूबों और वफाक में सेम होगी या हर वो उसी तरह चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ही होगा सब?
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम साइलोज में काम नहीं कर सकते, ना करना चाहिए. सो वन ऑफ देम इज़ सिटीजन सेफ्टी, हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी सेफ्टी. तो 911 इज़ वन ऑफ द सेफ्टी सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं. अगर हम आबादी और इंटीग्रेशंस की बात करें तो अगर फेडरल पंजाब केपीके को मिला लिया जाए इनिशियली फर्स्ट फेज में, तो ये काफ़ी हद तक आउटपुट हमारी बेहतर निकल सकती है. एंड देन इन सेकेंड फेज सिंध को, बलोचिस्तान को एंड जीबी एजेके को इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हमारा एक बन सकता है जो इम्प्लीमेंटेबल भी है. सर, इज़ इट पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी की यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एनालिसिस से हम कोविड पे काबू पा सकें? इज़ इट वर्केबल? क्या NITV ने ऐसा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, NITV इस टाइम 28 इनिशिएटिव्स पे काम कर रही है अलॉन्ग विद NCOC. यू कैन से NCOC की जो टेक्नोलॉजी की आम है जिस पर डिसीजंस हो रहे हैं, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन है, वो NITV ने डेवलप किया है. देन देर इज़ ऐप नेम्ड पाक निगबान ऐप, के पाक निगबान ऐप अगेन पूरे पाकिस्तान, मैंने आपको जैसे बताया कि जहाँ पर देर इज़ ए नेशनल कॉज वहाँ पर देर इज़ नो बाउंड्रीज, तो तमाम सूबे हमारे साथ सिंक्ड हैं, कंप्लीट डेटा आता है और हम एक एमरजेंसी मरीज़ को उस अस्पताल में पहुँचाने के काबिल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे बेड एंड वेंट अवेलेबल है. सिंस के फर्स्ट फेज़ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काबू पाया कोविड पे. सेकंड फेज़ कदरे मुश्किल है. हमने एक और एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है जिसका नाम है पास ट्रैक. अब जो भी बाहर से पाकिस्तान आ रहा है तो उसको वो ऐप इंस्टॉल करके पाकिस्तान की बाउंड्रीज में आना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी. उसका हमने प्री रिक्विजिट्स रखी हुई है, वो अपना टेस्ट वहाँ पर अपडेट करेगा एंड देन जो भी एयरलाइन है वो पाबंद होगी कि वो उस पैसेंजर का ऐप देखे. अगर वो नहीं ऐप के बगैर आएगा तो वो हम उस एयरलाइन को चलान भी करेंगे. सो उससे भी हमारा काफ़ी कंट्रोल है. एंड देन दिस इज़ बीन मॉनिटर्ड थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एक क्वारंटाइन. अगर कोई ओवरसीज़ आता है और वो पाकिस्तान में, ओवरसीज़ ना भी हो, कोई ट्रैवल बाहर से करके आ रहा है, पाकिस्तान से गया देन इज़ कमिंग बैक, सो उसको 10-15 डेज अपने क्वारंटाइन रहना है. तो उस ऐप से हम ये भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो अपने क्वारंटाइन में है कि नहीं है. उससे अगर वो बाहर निकल रहा है तो हम उसको अलर्ट भेजते हैं, उसने मोबाइल ऑन कर ऑफ कर दिया तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुतलका थाने से बंदे भी भेजती हैं. तो ये उस ऐप में फ़ीचर है अल्हम्दुलिल्लाह. ये वो चीज़ें हैं जो हम ओपन नहीं करते, लेकिन ये कंट्रोल करने का एक ज़रिया है. इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाकी मुल्कों से बचे हुए हैं. हमें माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रिशिएट किया, बिल गेट्स ने अप्रिशिएट किया और वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया. तो हम उनको अब बताते हैं वक्तन फ़ौक्तन जो हमारी हमने जो अडॉप्ट की चीज़ें, AI हम इसमें लेके आए, इसमें हम मुख्तलिफ एनालिटिक्स हमने लगाई और अब तो हम माइनर पे चले गए. अब तो इवन हम कहते हैं कि एक शहर है, उसका एक सेक्टर है, सेक्टर की स्ट्रीट को बंद कर दिया जाए. पहले हम सेक्टर को बंद कर रहे थे, अब हम स्ट्रीट तक पहुंच गए हैं. सो दीज ये ऐसे नहीं हो जाता कि पता लगे कि स्ट्रीट में चार बंदे हैं तो किसी ने फ़ोन किया बंद कर दें, ऐसे नहीं है. इसके पीछे टीम्स लगी हुई हैं, एनालिटिक्स चल रहा है और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया ना, डेटा साइलोज में बहुत सारी जगह पे पड़ा हुआ. अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छी गवर्नेंस हो जाएगी, नहीं यूज़ करेंगे तो बस फिर इस तरह चलते रहेगा. इस डेटा को हमने अच्छा यूज़ किया और आपके सामने रिजल्ट्स हैं फेज़ वन के. जो कोविड का पहला फेज़ आया, काबू पाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की भी बहुत ज़्यादा मदद थी और हमने भी इस पर भरपूर इंटीग्रेशंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स आपके सामने. अब सेम हम दो चीज़ें हमने देखी ना उसमें, एक प्रोविंस से हमें कोई वो नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं. दूसरा हमने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिजल्ट्स आए. ये दो चीज़ें हमने अब पकड़ी और उसी को अब सेंट्रलाइज हेल्पलाइन, जिसको हम पहल भी कह रहे हैं, पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन पहल, पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन पहल हम करने जा रहे हैं. बहुत शुक्रिया. जिस तरह फैसल साहब ने बताया कि पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन एक यूनानिमस इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन जो पाकिस्तान के हर सूबे में, वफाक में,
पंजाब के किसी एक गांव से लेके सिंध के किसी एक गांव तक वो हेल्पलाइन चलेगी और जितने शहरी हैं पाकिस्तानी हों सारे के सारे पाकिस्तानियों को स्टेट ऑन करेगी और उनकी हेल्प को उनके तहफ़ को यकीनी बनाएगी। इसी के साथ मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।